खेती पुराने तरीके से हटकर जब नई तकनीक से की जाती है तब निश्चित तौर पर आमदनी का एक अच्छा जरिया विकसित होता है। डीएसआर से धान की खेती में बिचड़ा उगाने और कदवा खेत में रोपनी करने की बात नहीं होने के कारण श्रम, समय और लागत की बचत होती है। ऐसे ही एक लाभार्थी कृषक हैं बिहार के नवादा जिले के कझिया गांव के संजीव कुमार। डीएसआर से धान की खेती की, नतीजतन धान की लहलहाती फसलें इनके जीवन को नवीन उमंगों से भर दी है। डीएसआर से धान लगाए हैं, 6444 है वैरायटी का नाम, और समय का बचत होता है इसमें, वर्षा नहीं हुआ उसके पहले लगा दिए धान, इसमें लेबर का बचत है, लेबर नहीं लगता है, और फिर गेहूँ कटने के बाद अगात मूंग भी लग सकता है इसमें। पहले वाला धान में पानी का जरूरत ज़्यादा था, उसमें ज़्यादा पानी का जरूरत है, इसमें पानी का जरूरत नहीं है। आत्मक द्वारा ट्रेनिंग होता है, उसी में हमको ज्ञान मिला ये कि जीरो टीले से धान लगाइए आत्मक द्वारा। और हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम है पूजा का, वो भी इसमें प्रावधान नहीं है, आघात कटेगा और इसमें आगे गेहूँ का भी फसल आघात लगेगा इसमें, ये सब है। उसके बाद इसमें घास का है तो घास के लिए दवा दे दिए हैं इसमें, उससे घास इसका ख़त्म हो गया है। पुराना भी धान लगाते थे उसमें लेबर का समस्या था, तो इसमें लेबर नहीं लगता, इसमें तो सिर्फ मशीन से लगा दिए धान, इसमें लेबर नहीं लगा है। 135 दिन का वैरायटी है, इसलिए आगे लगा दिए हम लोग धान, इसको नवंबर में कट जाएगा धान, नवंबर में हो जाएगा गेहूँ, अगात लग जाएगा इसमें, नहीं इसमें कादो नहीं करते, इसमें सुखल में सीधे जीरो टीले से लगा हुआ है खेत में। डीएसआर से धान की खेती करने से उत्पादन में 10-25% तक की वृद्धि होती है, समय पर धान की कटाई और बर्बादी पर नियंत्रण में सहायक होती है, और सबसे खास बात यह है कि इस तकनीक से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के साथ उत्पादन लागत घटाते हुए किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बारिश देर से होने की स्थिति में डीएसआर से धान की खेती किसानों के लिए वरदान है।